नमस्कार, गुरु ज्ञान के इस ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल ताऊते और यास चक्रवात से संबंधित है। इस आर्टिकल में भारत में चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति से संबंधित चुनौतियों और इस समस्या से निपटने के आवश्यक उपायों के संबंध में चर्चा की गई है। आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। इस वर्ष के आरंभ में भारत में आए भीषण चक्रवात ताऊते और यास देश के पश्चिमी तट पर गुजरात तथा पूर्वी तट पर उड़ीसा में भूस्खलन की घटनाओं के कारण बने हैं। दोनों ही तूफानों ने आधारभूत संरचना, कृषि क्षेत्र और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इन दोनों राज्यों में लगभग 25 लाख लोगों को चक्रवात आश्रय गृहों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पेड़ों के उखड़ने के कारण पहले से ही कम हो रही हरित आवरण और प्रभावित हुई है। इस प्रकार कोविड-19 महामारी के दौरान इन चक्रवातों का आगमन राज्य सरकारों के लिए अतिरिक्त वित्तीय उत्तरदायित्व का कारण बना है। स्वास्थ्य लागत भी इसकी एक प्रमुख समस्या है। आइए बात करते हैं भारत में चक्रवात संबंधी चुनौतियों की। प्रत्येक वर्ष बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में 5 से 6 उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है, जिनमें से 2 से 3 भीषण रूप धारण कर लेते हैं। भारतीय तटरेखा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है। देश के 96 तटीय जिले जो तट पर या इसके निकट बसे हुए हैं और यहाँ की 262 मिलियन आबादी इन चक्रवातों और सुनामी की चपेट में आते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के वर्ष 2013 के आंकड़े के अनुसार उत्तरी हिंद महासागर में समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि और भारत की भू जलवायु परिस्थितियों के कारण तटीय राज्यों में विनाशकारी चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है और ये वैश्विक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लगभग 7% हैं। वर्ष 1891 और 2020 के बीच भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों को पार करने वाले 313 चक्रवातों में से 130 को गंभीर चक्रवाती तूफान यानी सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स के रूप में वर्गीकृत किया गया था। पश्चिमी तट ने 31 चक्रवातों का सामना किया, जबकि पूर्वी तट 282 चक्रवातों की चपेट में आए हैं। ओडिशा तट पर सर्वाधिक 97 चक्रवात आए, जबकि इसके बाद आंध्र प्रदेश में 79, तमिलनाडु में 58, पश्चिम बंगाल में 48, गुजरात में 22, महाराष्ट्र गोवा में 7 और केरल में 2। अन्य राज्यों पर इसका असर भी पड़ा है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2010 के एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत के 200 मिलियन शहरी निवासी तूफान और भूकंप जैसी आपदाओं का सामना कर रहे होंगे। प्राकृतिक आपदाओं में से चक्रवात दूसरी सर्वाधिक घटित परियोजना है, जो वर्ष 1999 से 2020 की अवधि में भारत में घटित कुल प्राकृतिक आपदाओं के 15% हिस्से के लिए उत्तरदायी थे। इसी अवधि के दौरान इन चक्रवातों से 12,388 लोग मारे गए और लगभग 32,615 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की क्षति हुई। क्षति लागत के मामले में चक्रवात बाढ़ 62% के बाद दूसरे स्थान पर है, जो आपदा संबंधित क्षति के 29% के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा भूकंप 42% और बाढ़ 33% के बाद भारत में तीसरी सबसे घातक आपदा के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। हालांकि चक्रवातों के कारण होने वाली मौतों की संख्या में गिरावट आई है और उनकी संख्या वर्ष 1999 के 10,378 से घटकर वर्ष 2020 में 110 रह गई है। लेकिन ये उपाय जीरो फैटेलिटी अप्रोच की प्राप्ति और चक्रवातों से होने वाले आर्थिक नुकसान को न्यूनतम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्ष 1999 और 2020 के बीच चक्रवातों ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को काफी नुकसान पहुँचाया है, जो दीर्घकालिक शमन उपायों के अभाव में 2,990 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य से बढ़कर 14,920 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इसके अलावा इसी अवधि के दौरान चक्रवातों के कारण होने वाले नुकसान में 9 गुना वृद्धि हुई है। चक्रवातों ने प्रभावी चक्रवात तैयारी उपायों को लागू करने के लिए VMA वृद्धि के रूप में सरकारों के वित्तीय बोझ में भी वृद्धि की है। वर्ष 1999 से 2020 की अवधि में भारत को उसके सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2% और कुल राजस्व के 15% का नुकसान हुआ है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार
चरम मौसम से संबंधित घटनाओं की लगातार आवृत्ति के कारण भारत वैश्विक स्तर पर सातवां सर्वाधिक आपदाग्रस्त देश बन गया है। इसके अलावा रिपोर्ट से पता चला है कि भारत ने लगभग 2,267 मानव जीवन का नुकसान उठाया, जबकि 2019 में क्रय शक्ति समानता के संदर्भ में उसका नुकसान 68,812 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। उसी वर्ष चरम मौसम संबंधी घटनाओं के कारण मानव मृत्यु और आर्थिक नुकसान के मामले में भारत पहले स्थान पर रहा। एशियाई विकास बैंक यानी ADB के वर्ष 2014 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत को जलवायु संबंधी घटनाओं के कारण वर्ष 2050 तक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1.8% प्रतिवर्ष का नुकसान भुगतना होगा। आइए एक नजर डालते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है। निवारक उपाय अपनाना। चक्रवात चेतावनी प्रणाली में सुधार लाना और आपदा तैयारी उपायों को बेहतर करना अनिवार्य है। संरचनात्मक उपाय। सरकार को शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण के तहत दायरे को विस्तृत करना चाहिए और चक्रवातों के प्रभाव को कम करने के लिए तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा लागत प्रभावी दीर्घकालिक शमन उपायों को अपनाना जिसमें चक्रवात प्रत्यास्थी अवसंरचना जैसी तूफानी लहर, प्रत्यास्थी तटबंधों और नहरों निर्माण, निचले इलाकों में जलभराव को रोकने के लिए नदी संपर्क में सुधार करना आदि का निर्माण करना शामिल है। यह महत्वपूर्ण होगा। तटीय जिलों में आपदा रोधी ऊर्जा अवसंरचना स्थापित करना, निर्धन एवं कमजोर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना और व्यापक सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। सामूहिक प्रयास। आपदा न्यूनीकरण उपायों को सामूहिक रूप से डिजाइन करने के लिए केंद्र और संबंधित राज्यों के बीच स्वास्थ्य समन्वय का होना आवश्यक है। केंद्र और राज्यों द्वारा केवल ऐसा सामूहिक शमन प्रयास ही राज्यों के वित्तीय बोझ को कम करने में मदद कर सकता है और आपदा से होने वाली मौतों को कम करने में भी प्रभावी हो सकता है। राज्य स्तरीय हस्तक्षेप पर एक केस स्टडी। वर्ष 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद उड़ीसा सरकार ने विभिन्न चक्रवात शमन उपाय अपनाए थे, जिसमें तटीय जिलों में आपदा चेतावनी प्रणाली की स्थापना और चक्रवात प्रवण जिलों में निकासी आश्रयों निर्माण करना शामिल था। इसके अतिरिक्त उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी OSDMA की स्थापना, आपदा तैयारियों के लिए नियमित कैबिनेट बैठकें आयोजित करना और उड़ीसा आपदा रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि ODRAF की स्थापना जैसे कदम भी उठाए गए थे। इन सभी गतिविधियों ने हुदहुद, फानी, एम्फन और यास जैसे चक्रवाती तूफानों के नुकसान को न्यूनतम करने में मदद की थी। हालांकि ओडिशा का आपदा प्रबंधन मॉडल अभी भी चक्रवात से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए अपर्याप्त है।